हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगी और स्वस्थ होगी। सो आइए बिना देरी किए हुए आज का रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। आज जो रेसिपी बना रहा हूँ मेरा फ्रेंड्स गुजिया, और बिल्कुल गाय का दूध का जो मावा होता ना उसी से मैं बना रहा हूँ, और खाने के लिए बहुत टेस्टी स्वाद होगा मेरा फ्रेंड्स, क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है। सो मैं सोचा क्यों ना गुजिया मैं आप लोगों के पास शेयर करूँ, और प्लीज़ वीडियो को एंटर फॉलो करना है मेरा फ्रेंड्स। सो आइए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई बैठा दिया, कढ़ाई पर मैंने दूध ऐड कर दिया, और दूध को उबल उबल के 2 लीटर दूध मैंने ऐड कर दिया। और देखिए मैंने उबाल के थोड़ा सा बना दिया, उसका बाद मैंने केसर ऐड कर दिया दूध पर, और केसर ऐड करने के बाद अभी देखिए मेरा मावा बनके तैयार हो गया मेरा फ्रेंड्स। अभी मावा को ज़्यादा करने के लिए इस पर मैंने ऐड करूँगी सूजी, जो भुजा हुआ सूजी होता है ना वो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मावा थोड़ा कमती हो गया, ज़्यादा करने के लिए मैंने भुजा हुआ सूजी मैंने ऐड कर दिया। और इस पर मैं थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, जो नारियल गुड़ी होता है ना वो थोड़ा सा मैंने ऐड करूँगी। ये देखिए हल्का मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये ऐड करने से टेस्ट ज़्यादा होता है मेरा फ्रेंड्स। सबसे पहले मावा बनाना है, सो गाय का दूध से मैंने बनाया था, और देखिए मैंने बना के रेडी कर लिया। इस तरह मैंने कढ़ाई पर रोस्ट बैठा दिया, जो शीरा होता है ना सैनी का वो मैंने बैठा दिया, और इसे गाढ़ा बैठाना है, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। और इस तरह मैंने मसाला को रेडी कर लिया देखिए, और इस पर टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया, और इसी तरह से अभी सेट करना है। और देखिए मैंने इसी तरह से मिक्स कर लिया, और इस पर मीठा के लिए मैं थोड़ा सा सैनी ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मीठा भी सही है, सो इसलिए मैं सैनी ऐड कर दिया। बस मेरा इस तरह मेरा रस भी बन के तैयार हो गया है मेरा फ्रेंड्स। और इस तरह मैंने मैदा लिया है 2 किलो, और 2 किलो मैदा पर मैं सबसे पहले हुआ सोडा थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया, हल्का ऐड करना, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। उसके बाद मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने खस्ता के लिए रिफाइन ऐड कर दिया। अगर रिफाइन की जगह आप लोग घी इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया, और अब अच्छी तरह से मैं सेट कर लिया। देखिए मैंने मैदा को अच्छी तरह से सेट कर लिया, और अभी गोली बनाना है। देखिए मैंने गोली बना के रेडी कर लिया, और अभी जैसे रोटी बेला जाता है वैसे आप लोग को पतला पतला करके रोटी जैसे बेलना है। और देखिए मैंने बेल के तैयार कर लिया, बस ऐसे आप लोग को बेलना है सबसे पहले। और मैंने सारा मैदा को मैंने बॉल बना के बेल के रेडी कर लिया, और अभी बीच पर मसाला ऐड करना है। सबसे पहले मसाला ऐड करने के लिए आप लोग को ठंडा पानी यूज करना है। ठंडा पानी यूज़ करने के बाद मैंने 2 टेस्पून चम्मच मैंने बीच पर ऐड कर दिया, और अभी साइड पे पानी ऐड करके अच्छी तरह से प्रेस लगा देना है। देखिए मैंने हाथ से बनाया हूँ, इसे सबसे पहले रेडी कर लेना है। देखिए मैंने सारा को रेडी कर लिया, सारा गुजिया मेरा रेडी हो गया है, और अभी ऑयल पर ऐड करना है। ये देखिए कितना क्यूट कलर हुआ है, और कितना स्टाइल, कितना सुंदर हुआ है मेरा फ्रेंड्स। और इस तरह मैंने कढ़ाई पर ऑयल ऐड कर दिया था, और मैंने सारा गुजिया को मैंने ऑयल पर ऐड कर दिया। ज़्यादा गर्म ऑयल पर ऐड मत कीजिएगा, हल्का गर्म पर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हल्का गर्म पर ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा फ्रेंड्स। और देखिए मेरा गुजिया ऊपर आ गया है, अभी 1 बाय 1 करके पतली करना है, दोनों तरफ अच्छी तरह से कुक करना है मेरा फ्रेंड्स। और देखिए मेरा कुक अच्छी तरह से हो गया है, और अभी रस पर डुबाना है, जो मैंने रस बनाया था उसी पर मैंने डुबा दिया, और अभी बाहर निकाल देना है। देखिए 10 मिनट में बन जाने वाला ये रेसिपी है, और प्लीज़ आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को एंटर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि होली का त्यौहार में मैं ये रेसिपी आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूँ, और अपना फैमिली के साथ बना के खा के इन्जॉय करना है मेरा फ्रेंड्स। देखिए कितना क्यूट कलर हुआ है। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आय अहोम।